तीसरा क्वेश्चन है, द एक्ट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट द पावर टू इम्प्राइजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल। अब ये हम इंडियन हिस्ट्री पर आ गए, किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति दी? मतलब जो ब्रिटिश सरकार है अब वो किसी को भी बिना मुकदमे के जो है जेल में डाल सकती है, कैद कर सकती है। तो कौन सा एक्ट था? रॉलेट एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट था, मार्लेमिंटो एक्ट था, या फिर बंगाल अधिनियम? अब जो है इसका जो है ज्यादातर बच्चे जानते होंगे आंसर, इसका आंसर क्या है? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है ऐसा एक्ट था जिसमें जो है किसी भी व्यक्ति को जो है बिना मुकदमे के उन्हें जो है जेल में डाल दिया जाता था। इसी का ही विरोध जो है इंडिया में बहुत ज्यादा हुआ। अब इसके बारे में जो है इसकी समरी पढ़ें, इसके बारे में जो इसका जो है डिटेल है वो है, ब्रिटिश सरकार ने जो है ये किया कब? 1919 में सर सिडनी रॉलेट का नाम याद रखेंगे, इनके नेतृत्व में जो है क्या हुआ, इनके नेतृत्व में रॉलेट एक्ट का गठन हुआ। तो 1919 में किसके नेतृत्व में जो है गठन हुआ इस रॉलेट एक्ट का? सर सिडनी रॉलेट। ठीक है, अब इस विधेयक के तहत हो क्या रहा था? इस विधेयक के तहत प्रांतीय सरकार को बिना वारंट, मतलब कोई भी आप जो है किसी को कोई भी वारंट ना किए हुए, मतलब बिना वारंट के आप क्या कर सकते हैं? किसी की तलाशी ले सकते हैं। अब जो है अगर आपकी ही कोई बिना वारंट पुलिस आए और आपकी तलाशी लेनी शुरू करे या फिर आपको गिरफ्तार कर ले बिना बताए कि आपकी गलती क्या है, तो फिर ये जो है कानून के खिलाफ हो गया ना। तो यही हो रहा था इस वाले एक्ट में कि बिना आपसे बिना पूछे तलाशी लेना, फिर गिरफ्तारी भी कर सकते हैं वो आपको, और बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने की असाधारण शक्तियां जो है दे दी गई किसको? ब्रिटिश सरकार को। और भारतवासियों ने इस विधेयक को क्या कहा? अब ये जो है जो कानून था ये बहुत हमारे लिए तो बहुत बेकार था। क्यों? क्योंकि आपसे कोई भी पुलिस, जो ब्रिटिश पुलिस थी, वो आपसे बिना पूछे आपकी गिरफ्तारी कर ले, आपको बताए भी नहीं किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, ये आपके लिए कैसा कानून होगा? ये काला कानून है, इसलिए इसका काला कानून कह के क्या हुआ, बहुत ज्यादा विरोध हुआ उस समय।